तो बीकानेर में शिवमय हुआ शहर। सावन के चौथे सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ललेश्वर महादेव मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग के अभिषेक कर भक्त दर्शन कर रहे हैं। हालांकि हर साल की तुलना में मंदिरों में कोरोना के चलते भक्त कम नजर आ रहे हैं। संवाददाता रौनक व्यास की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन का महीना है, सावन का सोमवार है। तमाम जगहों पर शिव भक्ति में नजर जो है वो मंदिरों में भक्त नजर आ रहे हैं। बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आरती पूजा अर्चना के साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दुग्ध अभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। यानी सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जो है आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस बार जो सावन का महीना और सावन का सोमवार जो है वो हर साल की तुलना में कुछ अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसको कहीं ना कहीं सख्ती से लागू कराने की बात जो है वो सामने आई है। सबसे बड़े शिवलिंग बीकानेर के मंदिर के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन हम आपको करा देते हैं। किस तरह से भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पंचामृत से यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दूध, शहद, चीनी, यानी उन तमाम पांच अमृतों से यहाँ पर जो है महिलाएं जो है यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं कुंवारी लड़कियाँ अच्छे वर की कामना को लेकर यहाँ पर अभिषेक करती हुई जो है नजर आती है। तो कहीं ना कहीं भव्य मंदिर है, बीकानेर का सबसे बड़ा मंदिर है, राजा महाराजाओं के वक्त का मंदिर है, और वहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता जो है वो लगा। हालांकि हर साल की तुलना में इस बार भक्त जो है वो मंदिरों में कम नज़र आ रहे हैं, और उसकी वानगी है कि लोग जो है पहुंच रहे हैं लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के बीच। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। पर मंदिरों में किस तरीके से तमाम भक्तों का तांता लगा हुआ है, इसकी तस्वीरों के लिए सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो है कोटा से के जुड़ रहे हैं, जयपुर से हमारे साथ यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता जो है जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। और आखिर किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं वो, अविनाश जगन्नाथ हमारे साथ उदयपुर से हैं। सबसे पहले जो है अविनाश आपके पास मैं आ रहा हूं, उदयपुर की क्या कुछ जो है तस्वीरें हैं, किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो पूरा नीली झीलों का शहर सावन महीने में नीलकंठ की भक्ति में रंगा हुआ है, और सावन का आखिरी सोमवार है, और ये सोमवार यहाँ के शिव भक्तों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहता है। उदयपुर में भी उज्जैन महाकालेश्वर की तर्ज पर हर साल भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण को निकलते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरा साल ऐसा है कि भोलेनाथ नगर भ्रमण को नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो मंदिर परिसर है, विशाल मंदिर परिसर है महाकालेश्वर मंदिर का, वहाँ पर साई लवाजमे के साथ में भोलेनाथ जो है वो मंदिर की परिक्रमा करेंगे, और आप देख सकते हैं कि उसी की तैयारियों को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को यहाँ पर दुल्हन की तरह सजाया गया है, और अब भक्तों को इंतजार है कि कब वो पल आए, कब वो घड़ी आए जब रजत पालकी में विराजमान होकर भगवान महाकालेश्वर मंदिर परिसर में परिक्रमा करने के लिए निकले। आप देखिए कि किस तरह से, क्योंकि बेहद खास दिन होता है आज के लिए, उदयपुर में सावन का अंतिम सोमवार है, और भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर परिसर से बाहर आते हैं, और उसी को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है। 12 बजे बाद में, करीब 12:15 बजे भगवान महाकालेश्वर का सहस्त्र धाराओं से अभिषेक किया जाएगा, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, और फिर रजत पालकी में विराजमान कर भोलेनाथ जो है मंदिर परिसर की परिक्रमा में निकलेंगे। और जो मंदिर ट्रस्ट है, महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट, उसने पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग झांकियों को सजाया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार भी यह आयोजन होगा, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ चुनिंदा भक्त हैं वो यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे जब भगवान की शाही सवारी निकलेगी उसमें, और जो भक्त होंगे उनको इस तरह से व्यवस्था की गई है कि वो उस शाही लवाजमे की के दर्शन कर पाए, और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ज़्यादा मंदिर परिसर में भीड़ नहीं हो, भक्त आएंगे और उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है, ताकि
जो भी भक्त यहाँ पर पहुंचे वो इस शाही सवारी के दर्शन जो है वो कर पाए, यानी पूरी व्यवस्था जो है तमाम भक्तों के लिए यहाँ पर की गई है। दीपक भी हमारे साथ है यहाँ पर जयपुर से। दीपक, जयपुरवासी किस तरीके से भगवान भोले को आज प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, भोलेनाथ का विशेष दिन है, सोमवार का दिन है, फिर यह महीना है सावन का महीना है, और सावन के महीने और सोमवार के दिन की बात आती है तो देखिए दुगनी कह सकते हैं आस्था है वो मंदिरों के अंदर देखने को मिलती है, और यही आस्था है आज शिवालयों के अंदर देखने को मिल रही है। सुबह से जब से भगवान के पट खुले हैं तभी से इस तरह की जो कतारबद्ध जो आप लाइन देख पा रहे हैं भक्तों की, आस्था के अंदर भक्ति के अंदर लीन भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, छोटी काशी के जो गली मोहल्ले से लेकर मुख्य सड़क या चौराहे या कह सकते हैं प्रमुख जो मंदिर हैं शिवालय उनमें इसी तरीके की आस्था की जो बयार है वो बहती हुई नज़र आ रही है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भले ही कह सकते हैं कि 60 साल से उम्र के जो लोग हैं उनका प्रवेश निषेध कर रखा है, लेकिन फिर भी कोरोना के पर कहीं ना कहीं आस्था है वो भारी होती हुई यहाँ पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए लंबे समय बाद लंबे अरसे बाद कोविड के चलते मंदिर के पट खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले हैं, तो लोग हैं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। चाहे छोटी काशी नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने भी देवालय शिवालय हैं वहाँ पर इसी तरह की जो कह सकते हैं बम बम भोले के जयकारे, ओम नमः शिवाय के जयकारों से जो मंदिर हैं शिवालय हैं गुंजायमान नजर आ रहे हैं। विशेष तौर से मंदिरों को सजाया गया है और साथ में विशेष झांकी के दर्शन भी शाम को जो भक्त हैं मंदिरों में शिवालयों में कर सकते हैं। देखिए, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। मेरे कैमरा पर्सन राहुल है, वो तस्वीरें फिर दिखाएंगे कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए जो भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की भी हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जो भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। और देखिए, ये मंदिर जो ताड़क बाबा का मंदिर है वो जयपुर की स्थापना से पहले का ये मंदिर है। तो जो छोटी काशी के अंदर या चार दीवारी के अंदर जो लोग रहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले ताड़क बाबा के दरबार में हाजिरी लगा के कह सकते हैं कि हमारे जो आराध्य गोविंद देव जी हैं उनके दरबार में हाजिरी लगाकर करते हैं, और यही आस्था छोटी काशी के मंदिर में आप इस लाइन से लगा सकते हैं कि हाथों के अंदर पूजा की थाली है, आरती भगवान भोलेनाथ की जा रही है और एक ही मन्नत एक ही मनोकामना की जा रही है कि सुख समृद्धि तो हो लेकिन कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा हो, इस बीमारी से मुक्ति दिलाई जाए, जिससे कि सब फिर से जिस तरीके से 1.5 साल पहले हर कोई व्यक्ति खुश था और मंदिरों में पहुंचता था उसी तरीके से फिर से रौनक लौट सके, कोरोना का डर है वो बीमारी है वो पूरी तरीके से खत्म हो, तो इसी को लेते हुए आज जो मनोकामनाएं मन्नतें की जा रही है। हालांकि सावन का महीना है वो 22 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगा और रविवार को सावन के महीने की शुरुआत हुई थी और समापन भी रविवार को ही हो रहा है, यानी कि अब केवल 6 दिन का समय बचा है सावन के महीने के समापन में, लेकिन 29 दिन जो इस सावन के महीने में रहे वो बड़े ही कह सकते हैं पूजा अर्चना वाले आस्था वाले रहे। और यहाँ तस्वीरें भी हमें साफ तौर पर जो है वो दीपक दिख रही हैं किस तरीके का सैलाब जो है तमाम भक्तों का इस वक्त उमड़ा हुआ है। बीकानेर का यहाँ पर रुख करेंगे, रौनक है हमारे साथ। रौनक, बीकानेर वासी कैसे भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता जो है शिव मंदिरों में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए सावन का आखिरी सोमवार, ऐसे में हर कोई भक्त जो है वो यहाँ पर अपने अपने तरीके से भगवान शिव को की पूजा अर्चना आराधना कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, तो दूध जल शहद चीनी यानी तमाम उन पंच तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए भगवान शिव जो है वो खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही भक्तों का तांता जो है मंदिरों में लगा हुआ। हालांकि देखिए अगर बात की जाए हर साल की तुलना में इस बार मंदिरों में भीड़ कम है, लोग कम संख्या में आ रहे हैं, कोरोना के चलते कहीं ना कहीं उसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग मास्क पहने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात है तीसरी वेव की बात की जा रही है उसके चलते पूरी तरह से प्रशासन ने सख्ती जो है इस बार मंदिरों में कर रखी है, यानी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज का पूरा दिन जो है इसी तरह शिवमय रहने वाला है। बीकानेर शहर का लालेश्वर महादेव मंदिर है, आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर दिया जलाकर यहाँ पर एक परंपरा है जिसके तहत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी शिवलिंग की जो
जो है उसके दर्शन यहाँ पर हम भक्तों को करवा देते हैं कि यहाँ पर खास तौर पर महिलाएं जो है कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं खास तौर पर यहाँ पर पहुँचती है। और क्योंकि देखिए मान्यता है यहाँ पर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है, और साथ ही साथ जो कुंवारी लड़कियां वो अच्छे पति की कामना के लिए यहाँ पर जो है वो अभिषेक करने के लिए पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही भक्तों का जो सिलसिला है मंदिरों में आने का वो लगातार जारी है। हालांकि क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है, भक्त काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि हर साल की तुलना में इस बार भक्त कम नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला। आप देखिए तमाम देश में जो है शिव में जो है भक्त नजर आ रहे हैं। जी सुमित बिल्कुल, और यहाँ पर जो मंदिर हैं वहाँ पर तांता लगा हुआ है, लगातार जो लोग हैं वो किस तरीके से जलाभिषेक अमृताभिषेक जो है वो भगवान शिव का करते हुए नजर आ रहे हैं। केके भी हमारे साथ यहाँ पर, केके कोटावासी भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं, किस तरीके से जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा है, जरा बताइए। बिल्कुल सुमित, देखिए कोटा के अंदर भी अगर आस्था की बात की जाए तो लोगों के अंदर आज सावन का चूंकि आखिरी सोमवार है तो उसको लेकर के विशेष यहाँ पर आस्था नजर आ रही है। लोग मंदिरों के अंदर पहुँच रहे हैं, चाहे पहले सोमवार की बात हो चाहे आखिरी सोमवार की, तस्वीरें लगभग बराबर की हैं। जो जोश है, जो आस्था है वो लोगों के अंदर लगातार बनी हुई है। हम इस वक्त खेगड़ा के महादेव मंदिर के अंदर जहाँ पर 525 शिवलिंग यहाँ पर हैं और नेपाल के पशुपति नाथ के बाद में इस मंदिर की आस्था मानी गई है। सुमित, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाए किस तरीके से यहाँ पर जो भक्तों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। सुबह से यहाँ पर इस तरीके से जलाभिषेक किए जा रहे हैं, लोग यहाँ पर अपने घरों से पूजा की सामग्री लेकर के आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, कुंवारी युवतियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचती हैं और लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ में इस वक्त सुमित महंत हैं इस महादेव मंदिर के, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा कि किस महंत जी किस तरीके से आज आखिरी सोमवार है, आगे किस तरीके का आयोजन रहने वाला मंदिर के? आज आखिरी सोमवार है, अभी सावन के कई दिवस बाकी हैं, भक्तों की श्रद्धा अटूट है। सोमवार के अलावा भी भक्त जो है पूरा सावन मास यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और आज तो विशेष पूजा है क्यों आखिरी सोमवार है, और भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देंगे। श्रद्धा भक्ति भाव से सब पूजा कर रहे हैं। शिवपुरी धाम एक ऐसा धाम है जहाँ 525 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा है, यहाँ जल पात्र देते हैं, यहाँ जगह जगह जल की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ बील पत्थर के भी पेड़ हैं, पुष्प भी लगे हुए हैं। जिनके पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं है वो शिवपुरी धाम से बील पत्थर लेते हैं, यहाँ से पुष्प लेकर यहाँ से लोटा और यहाँ का जल लेके भगवान की पूजा करते हैं। ये भारत में एक स्थान है शिवपुरी धाम 525 शिवलिंग का, ये हमारे लिए एक भगवान ने बोनस दिया है सभी भगवान के भक्तों के लिए। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए सुमित मेरे मेहनती जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं, चाहे जल की व्यवस्था हो चाहे बिल पत्र की हो, वो यहाँ पर की गई है। महाकाल का दिन है, लोग जय महाकाल का जो है वो उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है और जल अभिषेक किया जाता है। मैं आपको बता दूँ इस मंदिर के अंदर जैसे यहाँ प्रवेश करते हैं तो एक बार जब भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना शुरू करते हैं तो 525 शिवलिंगों का ये पूरा की पूरा एक समूह बनाया हुआ है, जहाँ से जो भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए दूध चढ़ाते हैं शिव जी को, आंकड़े जो हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही पुष्पमालाओं को के साथ में धूप दीपबत्ती, ये जो तमाम पूजा आस्था का विषय है वो यहाँ पर भक्त द्वारा किए थे। मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, देखिए ये पारस शिवलिंग है, इसका भी विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों के अंदर, और यहाँ भी लोगों की जो कतार है वो आप देख सकते हैं, युवतियाँ भी यहाँ कुंवारी युवतियाँ हैं, चूँकि सोमवार सावन के जो हैं उनका भी विशेष महत्व माना गया है अपने, इस वजह से यहाँ पर युवतियाँ भी पहुँची हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। चूँकि हर बार की अगर बात की जाए तो कोरोना में इस बार थोड़ा सा रश जो है, भीड़ जो है यहाँ पर कम दिखी सकती है, क्योंकि ये इस मंदिर के अंदर सैकड़ों से ज़्यादा लोग हर रोज़ यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं संक्रमण के ऊपर भारी है, और लोग चाहे मास्क का यूज़ करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकिन जो है लोग यहाँ पर सुबह से इस तरीके की कतारों में लगे हुए हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर भक्तों के द्वारा की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, जिस तरीके से तमाम जो कतारें हैं वो हम देख पा रहे हैं तमाम भक्तों की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, के दीपक, अविनाश और रौनक, बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।